एसपी ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा के नेतृत्व में यातायात पुलिस ने बुधवार को चेकिंग अभियान चला के गैर कानूनी तरीके से वाहन चला रहे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की और बिना हेलमेट रजिस्ट्रेशन पेपर और ड्राइविंग लाइसेंस के चलने वाले वाहन चालकों पर हाईटेक ऐप के माध्यम से ई चालान किया गया और लोगों को कानूनी तरीके से वाहन चलाने की नसीहत दी गई। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा ने बताया। ऐप से करा रहे हैं क्या? हाँ, ई चालान सिस्टम चालू है। ये चलो इधर सामने आइए भैया। इतना ही डाल के देखो तो आपके बस खाली उसे ही डाल के इधर आइए था भैया देख लें एक बार भैया एम डी वो वाला बस पूरा मतलब उतना तो डाले ही है था पूरा डाले किसी से भी गाड़ी हमारे रजिस्टर में भी इस गाड़ी में बैठने वाला है हम नहीं करेंगे दो बार तीन बार अब चालान की प्रक्रिया ई चालान से हम लोग कर रहे हैं जिसमें सभी ऑप्शंस हैं जो पेनल्टी देना चाहे पेनल्टी दे पेनल्टी नहीं देना चाहता कुछ दिन बाद पेनल्टी देना चाहता तो भी पेनल्टी दे सकता है वो ये सब ई चालान के द्वारा है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि गाड़ियों का नंबर जो है वो हमारे डाटाबेस में आ रहा है। अगर उस गाड़ी से दोबारा फिर चालान होता है या दोबारा फिर कोई यातायात नियमों को उल्लंघन किया जाता है उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन हम लोग कैंसिल कराएंगे या उस ड्राइवर का जिसका ड्राइविंग लाइसेंस से बार बार चालान हो रहे हैं उसका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल कराएंगे हम लोग। बिल्कुल आप किसी धोखे में ना रहे कि हमारा चालान कहीं डिस्प्ले नहीं हो रहा है हमारा एक बार हुआ दो बार हुआ तीन बार हुआ पकड़ में नहीं आ रहा है अब बिल्कुल सावधान हो जाए और उनका हर चालान पकड़ में आएगा उसके बाद जो भी कार्रवाई वो की जाएगी उनकी जानकारी उनका मोबाइल नंबर फीड किया जा रहा है वो जरिए SMS उनके मोबाइल में जाएगा।